पाकिस्तान से आई बीमारी ने बाड़मेर से पूरे राजस्थान के कई जिलों में फैल गई है और हज़ारों की तादाद में गोवंश की चपेट में आ गया है, मौत हो गई है, वहीं हज़ारों की तादाद में इससे ग्रसित हो गई है। हम इस वक्त नंदी गौशाला है, बाड़मेर के ज़िला कलेक्टर ने अचानक ही दौरा किया और यहाँ के हालातों के बारे में जानकारी ली। हमारे साथ में डॉक्टर साहब है, हम इससे जानेंगे कि किस तरीके के इसमें हालात है और कैसे अपने गोवंश को बचा सकते हैं, क्योंकि बाड़मेर के अंदर ऐसा बताया जाता है कि 10 लाख के आसपास गोवंश है जिसे अगले कुछ दिनों के लिए हमें बचाना है। सर, किस तरीके के हालात है यहाँ पर और क्या चैलेंज आ रहा है सबसे बड़ा? चैलेंज तो यही है कि जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि भाई इसके अंदर कम से कम 2 से 5 हफ्ते लगते हैं इनक्यूबेशन पीरियड उस पशु के अंदर, तो उसके सिम्टम आने तक, तो जब तक सिम्टम नहीं आएंगे तब तक, जब वायरस तो एंटर हो चुका है लेकिन सिम्टम आने में कम से कम 5 हफ्ते लग जाते हैं, तो जब 5 हफ्ते तक हमें पता भी नहीं पड़ेगा कि ये पशु बीमार है, तो इसलिए हम लोगों को मतलब हमारे लिए ये चैलेंज है कि वो बीमार पशु को हम उनसे अलग कैसे करें। जैसे उसमें सिम्टम आते हैं तो हमने पहला कह रखा है कि भाई सबसे पहला जो है उसको आइसोलेशन कर दो, आइसोलेशन करने के बाद में जो बाड़ा है उसको आप स्प्रे करके साफ कर दीजिए और आइसोलेट जो किया गया पशु है उसका इलाज करिए, उसमें मेनली दर्द निवारक दवा, सिंपल एक एंटीबायोटिक और यदि उसको ताकत की दवाओं की ज़रूरत है तो वो, प्लस एंटीहिस्टामिनिक, ये 4 चीज़ें हैं जिनको देख करके उनका इलाज किया जाता है। और उसके बाद में जो बाड़े हैं उसके अंदर साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करवा दीजिए, फिनाइल का स्प्रे करवा दीजिए, जिससे कि जो मच्छर और मक्खियाँ हैं वो जो बीमारी फैला रही है वो उनका कंट्रोल किया जा सके। शुरुआती दिनों में लक्षण आते हैं तो क्या कुछ होता है गाय को पता चल जाता है कि उसको, एक किसान किस तरीके से उस बात का अंदाजा लगाए, उसे बुखार आने लगता है या वो वीकनेस होती है, क्या कुछ होता है शुरुआत में? पशु के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो बुखार आएगा, आप उसके देखेंगे कि उसके नाक में से पानी आ रहा है, आंखों में से पानी आ रहा है और वो सुस्त हो जाता है। कई पशुओं के अंदर वो पाँव में दर्द वगैरह और बुखार ज़्यादा, तो कई बार वो पशु 3-3 दिन तक खड़ा रहता है और उसका जो शरीर है वो हमेशा गर्म रहेगा। आप दर्द निवारक दवा भी देंगे तो उसके जैसे आपने इलाज किया सुबह गोली दी तो शाम तक उसके वापस बुखार आ जाएगा। एक तो सबसे पहले तो बुखार होगा, इंसान में होता है कि गोली लेने के 4-5 घंटे असर रहता है, उसके बाद हाँ उसको फेब्रिल कंडीशन के अंदर उसके अंदर बुखार अवश्य होगा और पशु के अंदर धीरे धीरे जब वो सिम्टम आएंगे तब उसके अंदर बाहर दाने दाने और काले धब्बे जो बन जाएंगे उसके शरीर के ऊपर और जो नोड्यूल्स है वो बड़े बड़े बन जाते हैं और आपको पता पड़ जाएगा इसके अंदर मारता है। अच्छा, एक बात बताइए सर, क्या कुछ गाँव में अगर जैसे सपोज कहीं पर इलाज अगर अवेलेबल नहीं है तो देसी खाना पहना क्या कुछ दे ताकि उसकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट रहे? इम्यूनिटी बूस्ट के लिए जैसे पशुओं के अंदर यदि मुँह में छाले वगैरह हो गए हैं तो उसको वो खाना पीना बंद कर देगा, तो भाई सही सलाह तो ये दी जाती है कि जैसे आपको दलिया जो होता है, गेहूं का दलिया होता है, लापसी होती है, जो सिंपल लिक्विड फूड है वो आप उसको ऑफर करें। अच्छा, किस तरीके के आप लोगों की ओर से इंतज़ाम किए गए हैं गांव ढाणी में और किस तरीके से सर्वे किया जा रहा है, क्या कुछ दवाई के तौर पर दिया जा रहा है अभी? हमारे जिला स्तर पर अभी तक हमने 18 जिमें कर रखी थी, गठित कर रखी थी, उसमें से 4 अभी कल रात को हमने और गठित कर दी है। अब उनका जो नंबर है हमने पूरे बाड़मेर के अंदर वायरल कर रखे हैं, वो लगभग हर पंचायत समिति पर है, तो जो भी जिसकी भी एरिया के अंदर बीमारी फैली हुई है तो वो अपने एरिया के अंदर कॉन्टैक्ट कर सकता है या हमारे जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में कॉन्टैक्ट करेगा, तो हम वहाँ से जब भी उच्च रूट रहता है जो उसके अंदर मोबाइल टीम है वहाँ पर उसके इलाज करके आ जाती है। सर, अचानक ही बीमारी आखिर आई कहाँ से, इस बात को लेकर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है? सर, इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं, जैसे ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, वायरल है, कैप्रीपॉक्स वायरस से आई है। तो सबसे पहले जो अभी था हमारे 2019 के अंदर, जैसे हमने कहा कि बांग्लादेश के अंदर इसका हुआ था, उसके बाद में धीरे धीरे ये फिर ये पाकिस्तान में भी आई, पाकिस्तान से होने के बाद धीरे मतलब 2019 के एंड तक ये पाकिस्तान में थी, उसके बाद हमारे बॉर्डर इलाके जैसे भी से होते हुए अभी सारी फैलने चालू हुई है। सर, कोई वैक्सीन वगैरह आई है या सरकार इस पर कुछ कामकाज कर रही है? दूसरा मेरा सवाल है कि ऐसा बताया जाता है कि बकरी के अंदर एक कोई वैक्सीन लगती है, उसी को लेकर सरकार अब उसी पर आगे बढ़ना चाहती है कि जो स्वस्थ पशु है उनको दी जाए? जैसे कि ये भी हम लोग सब जानते हैं कि जैसे ये जो वायरस है इसका नाम ये पॉक्सविलिडी फैमिली से है और ये कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण ये बीमारी फैलती है। तो जैसे बकरी के अंदर जो माता की बीमारी होती है गॉड पॉक्स वैक्सीन, वो हमारे यहाँ मार्केट में भी अवेलेबल है, वो सेम जीनस है, इसलिए उसको हम ये माना गया है कि भाई वो उसको लगाने से हमें कुछ इसके राहत मिल सकती है, इसलिए इसको लगा सकते हैं। सर, वो उसमें केयर होती है? हाँ, उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जिन पशु जो कि अनएक्सपोज है, मतलब आप ये माने कि उस एरिया के अंदर जिसके अंदर बीमारी ये फैली हुई नहीं है तो आप वहाँ पर आराम से लगा सकते हैं, अन्यथा जिनके अंदर बीमार में है और वो इनक्यूबेशन पीरियड में है, ऑलरेडी बीमार तो है और आपने वैक्सीन लगाई, तो हो सकता है बीमारी उठ सकती है उसके। जब
कोविड इंसान को होता है तो 14 दिन बाद में वो रिकवरी स्टार्ट करता है, तो ये अगर जो वायरस कितने दिन बाद में रिकवरी स्टार्ट करता है, कितने दिन तक लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है? जैसे इसमें मैंने कहा कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वही कम से कम 5 से 7 हफ्ते हैं, तो अपने को 5 से 7 तो पता ही नहीं पड़ेगा, उसके बाद वो आना चालू होता है। जब वो आ गया तो यदि वो स्वस्थ है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है जहाँ पशु की, तब तो वो 1 से 2 हफ्ते में रिकवर हो जाता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जो उसकी इम्यूनिटी सप्रेस होने के बाद में वो मतलब रिकमेंड हो जाता है, बैठ जाता है, उसके खड़े होने की मतलब बैठता भी नहीं है, उसको डर लगता है कि नीचे गिर गया तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए कई बार पशु खड़ा रहता है। उसके इसीलिए ज़्यादातर पशु खड़े रहते हैं। हाँ, उसको दर्द होता है, उसको लगता है कि उसके मतलब मेंटली कि मैं गिर गया तो मैं उठ नहीं पाऊंगा, इसलिए पशु खड़ा ही रहता है। मैंने ऐसे भी मैंने खुद ही पशु देखे कि सर उन लोगों ने कहा कि 3 दिन से खड़ा ही, सर बैठ ही नहीं बिल्कुल। हाँ, मतलब मैं भी एक बार गया था, एक मेरे को बताया कि पशु खड़ा ही रहता है। और फिर क्या कारण होता है? उसको डर लगता है। हाँ, बस वो उसको खौफ होता है कि वो कमजोर तो उसको ही है, बुखार आ रहा है उसको 3-4 दिन से, फिर उसको डर लगता है कि मैं गिर गया तो वापस उठ नहीं पाऊंगा, इसलिए वो खड़ा ही रहता है। आप जबरदस्ती बिठाने की कोशिश करेंगे तो वो बैठ जाएगा। आप देखिए कि किस तरीके के हालात है, हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार अपने तमाम कोशिशें हैं वो जारी है। अभी बाड़मेर के ज़िला कलेक्टर लोकबंधु ने यहाँ का दौरा किया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये समय है जब प्रशासन और सरकार अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। ज़रूरत है कि आम लोगों को जागने की, ताकि किसी भी तरीके से जो बाड़मेर ज़िले का 10 लाख का पशुधन है उसे हम बचा सकें। वो सब पॉसिबल है जागरूकता से।